मतलब इनके जैसा कोई इंसान है ही नहीं पूरी दुनिया पूरी में, दुनिया बहुत अच्छे इंसान ये यहाँ शादी में शरीक होने के लिए आई है। और इन्होंने कहा है कि जो सूबेदार जी हैं जिन्होंने शादी का जिम्मा उठाया है वो सराहनीय, प्रशंसनीय और काबिले तारीफ है। और हो भी हो क्यों नहीं हो, एक ऐसी बहन की जीवन में खुशियां देने का इन्होंने काम किया है कि आशा भी अपने बढ़िया है। लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए भी जी के देखो कितना सुकून आता है। और ये सही मायने में सच्ची बात है, किसी गरीब की आप सहायता कर दो और उसके बाद देखो उनके रिजल्ट कितने आते हैं। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पुंक, हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो किशोरपुरा सुल्ताना के पास जो किशोरपुरा गांव है और उन्हीं के पास मैं बात करूं, किशोरपुरा ग्राम पंचायत है, उसका राजस्व गांव है मटाना, वहां पे मैं मौजूद हूं। और मेरे पीछे आप जिस प्रकार से देख रहे हैं चारों ओर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक परिवार में शादी का जश्न है और जश्न भी इस कदर है क्योंकि शादी में होता ही कुछ ऐसा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक वाल्मीकि समाज का एक परिवार और एक पिता को चिंता सता रही थी अपनी बेटी की शादी की, और वो जहाँ पे काम कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने मतलब जिनके यहाँ काम कर रहे थे उनको शादी के बारे में बताया। और आज एक ऐसी शादी, एक प्रेरणादायक कहानी से मैं आपको रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ मैं बात करूँ तो इस भौतिकतावाद में एक एक रुपए के लिए भाई भाई से लड़ पड़ता है, लेकिन यहाँ के जो एक किसान है, मैं बात करूँ जो सर्विस में, जो बात करें भारतीय सेना के जवान भी रहे हुए हैं, उन्होंने एक आज एक नई मिसाल पेश की है। वो मिसाल इस कदर पेश की है कि एक शादी का जिम्मा लिया और उस शादी को इतना ऐतिहासिक उन्होंने बना दिया कि आज सर्व समाज के लोग उस वाल्मीकि बहन की शादी में शरीक होने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं चारों, जिस बहन की शादी होने वाली है वो बहन भी यहाँ पे है, उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, और सबसे बड़े जो जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये वो शख्स है जिन्होंने मतलब इस शादी का जिम्मा उठाया और इस शादी को आज ऐतिहासिक बना दिया, काफी प्रेरणा स्रोत के रूप में है। इनके नाम मुझे पता नहीं क्या, माथुराम जी नाम है, जिले सिंह जी डारा जी, हौलदार माथुराम जी हैं और जिले सिंह जी डारा जी हैं जिन्होंने इस बहन की शादी करने का एक मुहिम उठाई कि इस बहन की शादी हम करेंगे और खुशी खुशी से करेंगे। और आज वो शादी भी होने वाली है, बारात भी आने वाली है, बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। के नाम सर? हौलदार माथुराम। आज आपके द्वारा इस बहन की शादी करवाई जा रही है, वाल्मीकि समाज की ये बहन है, कहाँ से विचार है पहला किसी? विचार तो देखो ऐसा है कि विचार तो भगवान करवाता, करने वाला कौन होता है, हम कोई नहीं, ऊपर वाला की देन है, हम तो सिर्फ सेवक, हमने कुछ नहीं किया है, करने वाला कोई और है, हम तो सिर्फ बस ये अपनी स्वेच्छा से वो कर रहे हैं। क्या घटनाक्रम था भाई, कैसे पता चला कि इस बहन की शादी करनी है? गरीब को ये मजबूरियां होती हैं कुछ एक इंसान की जो मतलब बता नहीं सकता, हम तो सिर्फ अच्छा एक गरीब परिवार था, शादी नहीं कर पा रहा था, इतना जो बात करें तो इतना वजन नहीं उठा पा रहा था, काफी खर्चा होता हाँ, है काफी ये पूरा खर्चा आपने उठाया? आप हमने उठाया, हमने क्या उठाया, उठाने वाला और है कोई? हम नहीं, उठाने वाला और नहीं है, और नहीं है उठाने वाला, ये बात पलट रहे हैं, मैं इनको कहना चाहूंगा सब कुछ इन्होंने ही किया है लेकिन करवाने वाला भगवान होता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन शादी में जो भी संपूर्ण खर्चा लग रहा है आज इनके द्वारा लग रहा है, और समाज में की नई मिसाल भी पैदा की है किशोरपुरा के इन ग्रामीण वासियों ने, कि जिस प्रकार मैं बात करूं तो इस भौतिकतावाद में एक रुपये के लिए भाई भाई से लड़ पड़ता है, वहां इनकी दिल की उदारता तो देखिए कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, शादी का जिम्मा इन्होंने उठाया और आज एक बहन की हंसी खुशी से शादी होने वाली है, वो माँ जिसकी बेटी की शादी है, वो पिता जिसकी बेटी की शादी है, उनकी भी आंखों में आंसू होंगे कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी धूमधाम से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिले सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करें। सर नमस्ते। नमस्ते साहब, मेरा पहला क्वेश्चन सर हाँ, यही रहेगा हाँ। इस शादी के बारे में आपने कैसे सोचा कि भी हमें यह शादी करवानी चाहिए, क्योंकि अपने परिवार तक लोग सीमित रह गए हैं सर? मैंने 4-5 साल से फार्म खोल रखा है जी। मेरे फार्म में मजदूर पहले भी रहे हैं, लेकिन वो मजदूर के लायक भी नहीं थे जी, और मैं इस परिवार को मजदूर नहीं मानता, मेरे घर के सदस्य मानता हूँ। ये आपके पास यहाँ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे पास 3 साल से काम कर रहे हैं जी जी। और ये जो बच्ची है इसको मैं मेरी बेटी समान ही मानता हूँ जी। ये जब भी कभी गई है अपने मायके या कहीं भी, मायके का जैसे अपने घर गई है जी जी, जयपुर गई है, कहीं भी गई है, ये अपने माँ बाप से भी पूछ के नहीं गई है, मेरे से पूछ के गई है जी। अगर फार्म का गेट भी छोटा है, छोड़ा है कभी भी इसने,
तो अपनी मम्मी पापा को ये बोला कि पापा जी को पूछो जी। मेरे दिल में उसी दिन से विचार आया, ये अगर ये दोनों इनके माता पिता हैं, इनको मैंने बोला अगर आप चले भी जाओगे जयपुर भी जाके शादी करोगे तो मैं आऊंगा, हम आएंगे शादी करेंगे जी। और शादी मतलब भगवान करने वाला जो कर रहा हो तो भगवान कर रहा है जी। मेहनत मजदूरी ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मेरे फार्म पर, ये खूब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं दिल से, घर की तरह मेरे साथ रह रहे हैं जी। कोई शादी मैं नहीं कर रहा हूँ, शादी यही कर रहे हैं अपने बच्चे की, लेकिन शादी का जो भी खर्चा होगा कुछ भी रुपया लगेगा जी, वो इस सम्मान के परिवार का नहीं लगेगा, मेरा ही लगेगा जी। जिस प्रकार से मैं कितनी देर से यहाँ पे आया हूँ देख रहा हूँ, लगातार मैं बात करूँ तो एक जो शादी होती है पूरी सुविधाओं से परिपूर्ण, हाँ। वो शादी यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब मेरे से जो बन पड़ा साहब वो पूरा ऑर्गेनाइज किया मैंने, लड़की की बनोरी भी निकाली, लड़की की मम्मी बोली कि हमारे बनोरी निकलवाओ, तो मैंने सोचा कि बनोरी निकलवाएंगे कल निकलवाएंगे, आज समय नहीं है जी। मैं फार्म पर ही बैठा था, ये बोली नहीं निकलवाओ, मैंने रात को ही 8 बजे मेरूपुर में फोन किया, घोड़ी मंगवाया, डीजे मंगवाया, लड़की की बनोरी निकाली, जबकि मैं घर वालों को पता नहीं था जी। आज भी मैंने मेरे से जितना उसका उतना मैं बच्चे को भी ये बोला, मातराम जी को भी ये बोला, जितना उसके उतना ज्यादा से ज्यादा करो जी। एक अलग धारणा होती है, एक तो अलग धारणा होती है कि वाल्मीकि समाज से ही आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं तो एक अलग धारणा हो जाती है कि भाई वाल्मीकि समाज के लोग एक समाज की मुख्य धारा में नहीं है, तो एक अलग धारणा हो जाती है। काफी लोग हैं जो मैं बात करूं अच्छाई के लिए बुराई भी उसमें खोजते हैं, लोगों की बुराइयों का भी सामना, लोगों ने बुराइयां भी की होगी, उनका सामना कैसे किया आपने? जब कोई आदमी कोई अच्छा काम करने के लिए कदम उठाता है उसकी बुराई भी होती है साहब जी। अगर कोई निर्जीव आदमी है तो उसकी कौन बुराई करेगा, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और कुछ अच्छाइयां कर रहा है तो उसकी हर आदमी निंदा करेगा जी। मैंने किसी को यह भी नहीं कहा कि भाई शादी है, क्यों कुछ लोग कहेंगे कन्यादान के लिए कर रहा है, कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ, मैंने किसी को नहीं कहा, जो अपनी मर्जी से आएगा आएगा, करेंगे बिल्कुल धूमधाम से करेंगे। और मैं इसको वाल्मीकि समाज का वाल्मीकि परिवार का सदस्य मानता नहीं, पूछ लो, मैं चाय भी पीता हूँ यहाँ फार्म में आके जी, जी पिलाता भी हूँ घर पर जी, मेरे ही बर्तन में जी। ये बच्ची जाती है, इसे आप इसका इंटरव्यू लेना, मेरी बैठक में सबसे अहम बात बताऊंगे साहब आप जी, जी जी मेरे घर का हर द्वार इस लड़की के लिए खुला है, चाहे उसमें ज्वेलरी हो, पैसे हो, कुछ भी हो, सब कुछ इस बच्ची के लिए खुला है। इस कलयुग में सर मैं एक बात कहूं, मैंने ये नहीं सोचा कि अपने घर से कोई चोरी हो जाएगी जी। कुछ भी चीज गायब नहीं हुई, जबकि हमने एक परीक्षा के तौर पर भी विचार किया जी। लेकिन इतनी पवित्र और इतनी अच्छी बच्ची मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी है साहब जी, जी। इसलिए मेरे ये विचार आया जी। और इस पूरी एक कहानी के पीछे मैं बात करूं तो काफी जो समाज के लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक संदेश देना चाहता हूं साहब जी, अपने लिए तो हर इंसान जीता है, अगर मेरे पास 1 रुपया है, मतलब कर्जा करके भी लगाते हैं जी, अपने को तो सभी लगाते हैं। संदेश ये है कि किसी भी गरीब बच्चे के अगर 2 रुपये लग जाए तो समाज के लिए एक प्रेरणादायक मतलब उदाहरण एग्जाम्पल है। आज क्या क्या मैं बात करूं, ज्वेलरी का सामान क्या क्या है इसमें सर? ये इस शादी का जो टोटल सामान है ना साहब, ज्वेलरी का आपके सामने है, ये जो है ये लेडीज बताएगी, मैं तो नाम भी नहीं जानता साहब, मैं तो बनाने वाला हूँ, ले आके दे दिया सुल्तान हूँ, वो बताएगी, वो बैठी है, वो बोली नहीं मेरा, मैं भी बताऊंगी कि मेरा बाप बता देगी, बाकी मैं तो ये जो और सामान लाने वाला हूँ इसके बारे में बता सकता हूँ। इस मामले में पूरा सहयोग, पूरा सहयोग भी इसका ही है, उन्हीं का सहयोग है, हम तो बिल्कुल उनसे भी जरूर बात करेंगे। देखिए जिस प्रकार से कहा गया है, इस बहन की शादी होने वाली है, उनसे बातचीत करेंगे। एक बातचीत और साहब जी, ये शादी करने के बाद मैंने इस सम्मान को दोनों मियाँ बीबी को, मैडम है ये, इसके आज ये चौधरी हो रखा है, इनको मैंने ये बताया था कि शादी के दूसरे दिन भी आप अपने घर जाना चाहते हो और कहीं और काम करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप गुलाम नहीं, ये पाबंदी नहीं है कि भाई यही काम करो, नहीं है कि यही काम करो, कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई गुलाम नहीं हो जी, जी। आप जहां मर्जी काम करो, लेकिन ये परिवार तो आपका कैसे ऋण चुका पाएगा? एक मिनट मेरी बात सुनो साहब, अगर ये परिवार कल चला भी जाएगा ना जी, मैं आगे भी इस लड़के का कोई काम पड़ेगा तो वो मैं करूंगा जी, जी 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 बिल्कुल, अगर मैं जिया तो मैं करूंगा बिल्कुल, बिल्कुल। और मर गया तो बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनकी इच्छा है जी, जी जी जी। वो बहन भी है, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? तन्नु। क्या नाम है? तन्नु। तन्नु, आज आपकी शादी है, कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हो? 3 साल से यहाँ पे रह रहे हो। जब शादी की बात चली तब ऐसी कोई क्वेश्चन आया कि भाई शादी कैसे करेंगे, पैसे भी नहीं है? नहीं ऐसे कुछ भी नहीं आया, हमारे पापा है ना,
पापा कौन से हैं, इधर भी पापा है, इनको भी पापा मानते हो। और आज तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपकी शादी का पूरा जिम्मा ये उठा रहे हैं, वरना एक रुपया नहीं देता कोई। आज खुश हो आप? हाँ। धूमधाम से डीजे से आपकी बनोरी भी निकाली गई थी, अब भी लोग आ रहे हैं, पूरा सामान भी यहाँ पे दिया जा रहा है। हाँ, खुश हूँ मैं। क्या कहेंगे आप इनके लिए? मतलब इनके जैसा कोई इंसान है ही नहीं पूरी दुनिया में, बहुत अच्छे इंसान है। देखो वर्ड यही निकलते हैं, पूरे वर्डों में एक ही बात कह दी है कि इन जैसा इंसान है ही नहीं। क्योंकि सही मायने में बात करूं तो बात तो सही है कि आज वो पूरी जिम्मेदारी एक माँ बाप की होती है, वो पूरी की पूरी ये निर्वहन कर रहे हैं। ये इनके लड़की के पिताजी हैं, क्या नाम है आपके पिताजी का? अनुमान जी। और अभी कहा गया इनको एक उपाधि दी गई है चौधरी जी, और चौधरी जी आज ये बने हुए हैं। बताओ चौधरी जी, अच्छा आज क्या कहेंगे साहब? हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कुछ परेशान भी नहीं है, अपनों क्या करना है क्या नहीं करना, बस चौधरी बन के घूम रहे हैं। अच्छा आपको पता भी नहीं अपनी बेटी की शादी हो रही है? हमारे को ये पता नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल। देखो देखो पिता कितना बेफिक्र हो गए हैं, मतलब घूम रहे हो, शादी का जिम्मा कोई और उठा रहे हैं। हमने इनको तो कभी ऐसा नहीं चुका पाऊंगा। एक बच्ची की, अपनी अपनी बेटी की शादी करते हैं तो एक पिता की काफी चिंता हो जाती है, सामान जुटाना काफी परेशानियां आती हैं। लेकिन जब शादी आपने मतलब डिसाइड की भी शादी करनी है, आपके भी सामने परेशानियां होगी बहुत बड़ी, इन तक बात कैसे पहुंची चौधरी जी तक? बैठते हैं एक जगह, बैठते उठते हैं तो भाई मैं शादी करूंगा, मैं कर्जा से लूंगा, तो बोले तो टेंशन मत करने, मेरा काम जाना, फिर हमने निश्चित हो गए। इस वक्त में बात करूं तो इस कलयुग में एक रुपए के लिए भाई भाई से लड़ जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। कर्जा करूंगा बोला, लेकिन वो कर्जे की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा आपने कहा कर्जा करूंगा? हाँ। अच्छा फिर इन्होंने क्या कहा? बोले तुम नो टेंशन रे, मैं जानू मेरा काम। आज इनकी शादी में क्या क्या आइटम यहाँ दिया? जो भी है दे, जो पूरा है पूरा आइटम दिया, आइटम खाने पीने में भी पूरा, कोई ध्यान नहीं, सब हम ध्यान नहीं दे रहा, सब है। आपको ध्यान ही नहीं है? हमारे कुछ ध्यान नहीं, आप तो अपनी मस्ती में घूम रहे। बिल्कुल सर, इतना बेफिक्र बाप कहाँ मिलेगा एक बेटे को? सर बिल्कुल अपने ना टेंशन। तो क्या कहेंगे आज इनके लिए? बिल्कुल भगवान बराबर है सर, भगवान बराबर हमारे लिए, तो माने जब तो नहीं माने जी सर। इस बहन की माताजी भी हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है थारो? जोर से बोलो थोड़ा। सोना। अच्छा आज थारी बेटी की शादी है, खूब खुशी मना रहे हो? खुशी मना रहे। अच्छा ये शादी किन के द्वारा की जा रही है? ये पापा मम्मी से। पापा मम्मी के? आपके भी पापा मम्मी हो गए? पापा मम्मी। जी जी जी। तो इतना सब कुछ ये खर्चा इनके द्वारा किया जा रहा है और धूमधाम से शादी की जा रही है, क्या कहेंगे आप इनके लिए? धन्यवाद है इसको। जी 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 बिल्कुल। अच्छा देखिए बड़ी बात होती है कि आप अब वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये चौधरी हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई आप तो वाल्मीकि समाज से? बिल्कुल ये ऐसा नहीं है मेरे को, भाई कौन है कौन नहीं, जाते जाते सब होते हैं। बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, एक रुपया की टेंशन नहीं आती, ऐसे महीना की भी नहीं आती हमारे, ये भी बेरा नहीं, हम हिसाब भी कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। बिल्कुल विश्वास है हमारे इनका। जी जी। सबसे बड़ी इस शादी में जिनकी भूमिका रही है, अभी मुझे कहा जा रहा था, क्या नाम है जी आपका? संतोष जी का। इनका बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, आज एक बेटी की शादी आप कर रहे हो, क्या कहेंगे? कि हम बहुत खुश हैं, कभी जिंदगी में इतना खुशी नहीं हुई उनकी शादी है। आपकी कितनी बेटियां? मेरी तो यही बेटी है। आपकी बेटी नहीं? नहीं है, बहन का। अच्छा तो इन्होंने कहा था आपको कि भाई हमारे सामने ऐसी परेशानी है? नहीं ऐसे तो नहीं कहा, लेकिन बोल रहे कैसे शादी करेंगे वो करेंगे, तो हम बोला कि बेफिक्र रहो हम आपके पीछे। देखो बड़ी एक समाज में, अपने समाज की बात करें तो ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, चौधरी आप समाज से हो, जाट समाज से हो, तो लोगों एक अलग अलग धारणाएं भी बनती है, तो उन समस्या को भी सामना करना पड़ा कि भाई ये आप ये गलत कर रहे हो सही कर रहे हो? नहीं गलत नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है तो उनका दिल है भाव विभोर हो जाता है, आज क्या कहेंगे आप? एक कहेंगे कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ऐसे कभी भी नहीं हो रहा है। क्या क्या सामान है जो मैं बात करूँ? टूम वगैरह, टूम, पायल, दो 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 जोड़ी पायल और नथ, मांग टीका और कान, और पूरा टोटल जो दाइजे का सामान भी है सब चीजें। हाँ सब, जो भी ये बोल रही चाहिए कि मैं ये लूं ये लूं इसको दुकान। अच्छा इन्होंने ये कहा कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, आपने वही सामान दिया? हाँ वो तो ये मैं सोची कि इसके दिल में है, ये बोल रही कि आंटी जी ये लिएंगे, माँ ये लिएंगे, ये लिएंगे जी, तो हमने सोच लिया कि इसके दिल में है चीज की,
तो हम जो चीज इकट्ठी कर करके उसके पूरे पैसे भर दिया है इसने अपना ले लिया, खुश हो गई, पूरा कपड़ा मन मर्जी दुकान में बांट दिया। जी जी, और भी लोग यहाँ पे हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आज किशोर पुरा ने एक नई मिसाल कायम की है। मैं तो ये इसके बारे में ये कहूँगा, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं सुबेदार मेजर जिले साहब ने जो भी ये काम किया है ना, बहुत ही सराहनीय काम है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा काम अगर किसी को मिलता है ना तो उसमें क्या हिस्सा लेना चाहिए या खुद संपूर्ण रूप से अपने दिल से एक काम करना चाहिए। जी जी, और बहुत ही अच्छा जी काम। सर क्या नाम आपका? सर कौन सा गाँव आपका? मटाना। यही गाँव है, शादी में शरीक होने के लिए? हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे आज? ये शादी एक अलग अलग टाइप की शादी जी गुरु जी। अच्छा, आप शादी करवाएंगे? हाँ गुरु जी, हमारे बहुत बढ़िया काम किया सुधार साहब ने, बहुत अच्छी पहल की है। जी जी, बहुत ही अच्छा जी। सर आज एक मिसाल कायम की है किशोर पुरा ने, आपके क्या विचार है? पहले तो नमस्कार सर जी, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद जी। मैं यही कहूंगा, ये क्या कि परिवार की तरह रहते, अपना ही फार्म है और पापा जी संभालते हैं इनको, तो ये 3-4 साल से अपने पास काम कर रहे थे। जी जी, तो इन्होंने पहले ही बोला था कि एक तो ये जो बहन मानते हैं, क्योंकि पापा जी को पापा जी बोलते हैं, मम्मी जी को मम्मी जी बोलते हैं, तो ये बहन हो गई जी। तो ये शुरू से ये बोलते थे ये लोग कि हम शादी करेंगे बेटी की, लेकिन इनका जो जितना इनकी पेमेंट होती है वो खर्च हो जाती है। इनका ये रहता है कि डेली यूजेज वाला होता है, जितना कमाया वही खा लेते हैं लोग। बिल्कुल, तो इनका टेंशन थी, तो बोला कि हम शादी कैसे करेंगे, तो पापा जी ने बोला था कि बेटा शादी अपने लोग ही करेंगे, तो मैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पापा जी और मम्मी जी ने जो बोला है, बड़े भाई हैं वो एयरफोर्स में हैं जी, उन्होंने से बात की तो उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं करेंगे जरूर, वो छुट्टी तो नहीं आ पाए क्योंकि अबकी बार छुट्टी नहीं मिली उनको, अभी भैया की शादी थी तो उसमें आए थे वो छुट्टी। दूसरे हैं अजीत भाई साहब, वो पार्टनर है मेरे इस फार्म में जी, उनसे बात की तो उन्होंने भी ये बोला कि नहीं यार ये काम तो बहुत ही अच्छा है और अपने को करना भी चाहिए। तो हम लोगों ने फिर ठीक है, और फिर गांव वालों को भी इतना सहयोग मिला कि जितना लोगों ने हेल्प की वो पूरी है, ये नहीं कि प्रॉपर ही है, सभी ने हेल्प की है। यहाँ पे बनोरी निकाली तो मटाना गाँव में 36 कौम रहती है, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया हम लोगों का। किसान है यहाँ पे, भाई साहब लगते हैं संजय, बिल्कुल किसान है ये मानो कि, उन्होंने उनके घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं, उन्होंने अपना सहयोग दिया, उन्होंने वॉशिंग मशीन भी दी, हमें पहले मना कर दिया कि आप वॉशिंग मशीन नहीं लेके आना जी, वो वॉशिंग मशीन मैं दूंगा। तो वो किसान होके उन्होंने भी ये सोचा कि मेरे को भी कुछ सहयोग देना चाहिए, तो उन्होंने अपना सहयोग पूरा किया उन्होंने भी। तो मिलजुल के ये शादी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। और यदि समाज को क्या सीख लेनी चाहिए इस कहानी के, इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे? समाज को यही रहता है कि ये वाल्मीकि समाज से हैं, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मान के चलिए सारे इक्वली लोग होते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ये शादी करके, ये मान के चलो, और दूसरों को भी यही बोलते हैं कि सहयोग करना चाहिए, कोई भी गरीब लड़की होती है परिवार की तो सहयोग करना चाहिए उन लोगों का। लोग, मैं बात करूं कन्यादान के रूप में, यहाँ पे कन्यादान लिखवाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मैं सुबेदार रघुवीर सिंह शेखावत, गांव मटाना। जो ये शादी हो रही है, कैप्टन सुबेदार मेजर ओनरी कैप्टन जयदेव साहब एक महान इंसान है, सामाजिक आदमी है, कर्म धर्म को मानते हैं, पैसे सबके पास में आज के जमाने में, लेकिन दिल और दिमाग चाहिए, आदमी के मन में अहम दर्द होना चाहिए। जयदेव साहब एक महान इंसान है, इन्होंने मतलब एक अपनी, इसे ये मतलब नहीं होता कि लड़की है या नहीं, नो, इनका मन, इनकी भावनाएं, इनका विचार बहुत ही अलग दर्जे का है जी, जी। इंसान पेट हर भरता है, हर कुछ करता है, लेकिन दूसरे की जो सहायता करता है, जो दूसरों का सहयोग करता है जी, जी। उसमें सबसे बड़ा महान इंसान मैं वो उसको समझता हूँ। बिल्कुल, आज के जमाने में पैसे की किसी के पास में कमी नहीं है, लेकिन आदमी के लिए भावनाएं और समाज के प्रति दिल चाहिए। आज एक अनुभव, मतलब मैं मेरी तहसील के माँ एक अनुभव के काम कर रहे हैं लोग। क्या आया? इस बहन के बारे में सोचना और शादी करना बड़ी बात है, तो क्या बहुत बड़ी बात है? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत बड़ो हमें तो बहुत अच्छा, दिले सिंह बाबा को बहुत बड़ो दिल है, और यह शादी करी है ना तो बहुत पुण्य को काम करिए। बिल्कुल, सब के लिए समाज ने भी इसको सीख लेनी हाँ, चाहिए। यहाँ का गैल थोड़ा बहुत पुण्य सब नहीं करना चाहिए भाई, कोई गरीब परिवार की लड़की हो है तो बाकी भी लोग, या सब ने सोचनी चाहिए, यह बात सब ने सोचनी चाहिए। बहुत बढ़िया काम करे। अच्छा, सामान वगैरह सब कुछ दियोगे? हाँ, सब कुछ दियोगे। सुधीरा कन बुलाओ, बोल बोल सुधीरा, बोल बोल ये
इस शादी में शामिल होके हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे परिवार में ही बड़े जेठ जी हैं, उनने इस शादी का जिम्मा उठाया है और मैं सोचती हूँ कि बहुत गर्व हो रहा है हमको ये लेके इतना अच्छा किया है। और हम जैसे संपन्न थोड़ा थोड़ा ऐसे गरीब की बेटी के लिए कोई करता है तो हर किसी को करना चाहिए, आगे आना चाहिए लोगों को। और ऐसे आगे आने से बहुत आलोचनाएं भी होती हैं, हमारे ऊपर उंगलियां भी उठती हैं, लेकिन उनको भी क्रॉस करके हमको करना चाहिए, गरीब गरीब बेटी के लिए मदद करनी चाहिए कोई भी काम हो परिवार में समाज में। तो तमाम ये महिलाएं भी हैं और ये यहाँ शादी में शरीक होने के लिए आई है। इन्होंने कहा है कि जो सूबेदार जी हैं जिन्होंने शादी का जिम्मा उठाया है वो सराहनीय प्रशंसनीय और काबिले तारीफ है, और हो भी हो क्यों नहीं हो, एक ऐसी बहन की जीवन में खुशियां देने का इन्होंने काम किया है जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बात करूँ सुल्ताना के किशोरपुरा ग्राम पंचायत से, मैं आपको लोगों से रूबरू करवा रहा था, एक नई पहल यहाँ के लोगों ने दी है, उनसे आपको रूबरू करवाता। जय हिंद जय भारत।